नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं महाकाली शमशान काली की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री माली की जय। जय महाकाली की जय। शमशान काली जय। शमशान काली जय। काल भैरव जय। काल भैरव जय। शमशान भैरवी जय। शमशान भैरवी। मैं उन सब माताओं का, मैं उन सब भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और पसंद किया। माता काली शमशान काली उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे, उनका परिवार सदा हंसता खेलता रहे और उनके परिवार में सदा खुशियाँ बने रहे और उनके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब पढ़ाई करें। ये माता काली शमशान काली से मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं उन मूर्ख आदमियों को भी एक बात ज़रूर कहूँगा, जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और ना को राम, ना को रहीम, ना को रमैया, कुछ नहीं कहते, बस डायरेक्ट हाँ जी सट्टा दे दो, जिन परी दे दो, जिन साधना दे दो, मारण प्रयोग बता दो, उच्चारण प्रयोग बता दो। अरे ये कोई सब्जी की दुकान थोड़ी ना है, या कोई पान की दुकान थोड़ी ना खोल रखी हमने, जो ठायर दे दिया। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, मांगने का तरीका होता है। अगर आप लोगों को फ़ोन पर बात करने का तरीका नहीं है तो आप फ़ोन क्यों करते हो? इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, अगर आप पे फ़ोन पे बात करने की तमीज़ नहीं है या फ़ोन पे बात करने का तरीका, तो मुझे फ़ोन ना करें। और इस मामले में तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसे अभद्र भाषा करने वालों से, अभद्र टिप्पणी करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। ऐसे आदमी मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि जिनको बोलने का तरीका नहीं है, जिनको बोलने की अकल नहीं है, जिनको बोलने का तमीज़ ही नहीं है, वो तो मुझे फ़ोन बिल्कुल ना करे। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं उन लोगों से बेफिजूल में मगजमारी करूँगा या उन अपना टाइम ख़राब करूँगा। इसलिए भाइयों, अगर फ़ोन करे तो ढंग से करे, अन्यथा तो फ़ोन ना करे, ठीक है? और फिर भी मैं यही कहूँगा, माता काली आपको सद्बुद्धि दे, सही ज्ञान दे, सही दिशा दे, तो आपको बोध करने की तरीका आ जाए, आपको बात करने की तमीज़ हो, ठीक है? और हाँ, मैं उन लोगों को भी एक चेतावनी दूँगा, जो बिना मेहनत करे, जो बिना अपने शरीर की ताकत लगाए माता काली को पाना चाहते हैं या माता काली के दर्शन करना चाहते हैं, उनको भी माता काली सद्बुद्धि दे। वो लोग सोचते हैं भी ना हमको मेहनत करनी पड़े, ना हमको कुछ दिमाग लड़ाना पड़े, बस बिना मेहनत करे ही माता काली मिल जाए। ऐसे नहीं हो सकता भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से भागो ना। अगर मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मत सोचो भी तुम्हारे आगे रोटी की थाली रख दी तो भाई रोटी तुम्हारे मुँह में खुद ही आ जाएगी। अरे रोटी तो तुमको खुद ही खानी पड़ेगी, रोटी खाने के लिए हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। इसलिए भाइयों मेहनत करो, बहनों मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे ढंग से, लगन से, अगर आप ये सोचो मुंह पे गुरुजी गुरुजी और पीठ पीछे गुरुजी की बुराई करोगे, या गुरुजी का भला बुरा कहोगे, या गुरुजी को गाली दोगे, या गुरुजी की बुराइयां करोगे, या गुरुजी की कटवी करोगे, या गुरु की चुगली करोगे, तो अपने नरक के भागीदारों को खुद ही बनोगे, नरक में खुद ही गिरोगे। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना ही बिगाड़ोगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे मुंह पे तो मीठे बन जाते हो, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो, पीठ पीछे तुम गालियाँ देते हो, बुराई करते हो, गुरुजी ने ये कराया, गुरुजी वो है, गुरुजी ऐसे हैं। अरे करो, मेरे को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। वही बात है ना, चिक्कड़ में कमल खिलता है, जितना तुम मेरे पर चिक्कड़ डालोगे उतने ही कमल खिलेगा। इसलिए भाइयों सोच समझ कर चलो, मुझे सबका पता है कौन क्या कर रहा है, किसके पास कौन सी बुराई कर रहा है, किसकी कटवी कर रहा है, मेरे को सबके बारे में पता है, करते रहो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हर लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से भागो ना, मेहनत के करे बगैर कुछ नहीं मिलेगा। ये ना सोचो कि काली आसमान में सुतर के आएगी और मेरे आगे बैठ जाएगी, ऐसे नहीं है। काली तुमने मोनी ले रखी, या काली मैंने खूंटे के नहीं बांध रखी जब मैंने खोल ली रस्सी और दे दी तुम्हारे हाथ में। उसके लिए भाई मेहनत करो, डट के मुकाबला करो, डर से जीतो, अपने अंदर से डर निकालो, तभी तुम्हारे को काली मिलेगी, यानी ऐसे काली नहीं मिलेगी। अगर तुम सोचो भी हमारे को मेहनत बिना करनी पड़े, बिना मेहनत कर ही काली मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु की इज्जत करना सीखो, गुरु की आज्ञा का पालन करना सीखो। जब तक आप गुरु की इज्जत नहीं करोगे, जिस चेले को अपने गुरु की परख नहीं है, तो ज़िंदगी में किसी की परख नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों गुरु की भी इज्जत करो, गुरु का आशीर्वाद लो, गुरु के साथ रह के हर काम करो, भटको ना। अगर भटकोगे तो जीवन में सारी ज़िंदगी भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को अगर भटकोगे तो। अगर ज़िंदगी में पढ़ना चाहते हो तो गुरु के साथ रह के कार्य करो, गुरु की इजाज़त से चलो, गुरु की आज्ञा से चलो, ठीक है? धन्यवाद। आज मैं आप सबको मोहम्मदा पीर की साधना बता रहा हूँ। यह साधना एक बहुत ही प्रचंड साधना है। यह भूत भविष्य वर्तमान, आपका अपनी बात, किसी और की बात, हर चीज़, किसी के शरीर में क्या दिक्कत है,
उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, पितर दोष है या कोई ऊपरी बात है, हर ज्ञान आपको देगी ये साधना। यह साधना इतनी तीव्र है, इसके करने से आपको 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। इसको करके देखिए बस, आप आपको करना है, मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। यह साधना आपको पूरे 41 दिन तक करनी है। किसी भी वीरवार को आपने यह साधना शुरू करनी है। ज़मीन को साफ करके उस पर चावलों की ढेरी बनाए, फिर उसके ऊपर देसी घी का दीपक जलाए, फिर आपने एक सुगंधित फूलों की माला भी अपने पास रखनी है, गुलाब के फूलों की। 5 लौंग 5 इलायची भी रखे, एक ऋतु फल आता है, एक ऋतु फल भी अपने पास रखे, हर देसी घी के हलवे का भोग रखे, 2 रंग की मिठाई पंचमेवा भी रखे, और लोबाण की धुनी जलती रहनी चाहिए। यह साधना आपको पूरे 11 दिन तक करनी है। 11 दिन भी कर सकते हो, अगर 11 दिन में आपको नहीं मिलता तो 41 दिन करो, आपको मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा, यह मेरी पूरी गारंटी है। ये ना सोचो भी मेरे को 11 दिन में कुछ नहीं मिला, लेकिन 41 दिन करो, 41 दिन में तो ज़रूर आपको मोहम्मदा पीर के दर्शन होंगे। अब आप इसका मंत्र ध्यान से सुने। ओम नमो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजनी से चला मोहम्मदा पीर, चला चला चला, 1.25 शेर का तोसा खाए, कोस का 80 कोस का खाओ जमा, सफ़ेद घोड़ा सफ़ेद लगाम, उस पर चढ़े मोहम्मदा पीर, 900 पलटन आगे चले, 900 पलटन पीछे चले, चल चल रे मोहम्मदा पीर, 900 पलटन आगे चले, 900 पलटन पीछे चले, चल चल रे मोहम्मदा पीर, तेरे सामने नहीं कोई वीर, हमारे शत्रु को पकड़ के ला, हर हार जमा नक्श सिखा, राम राम से चलाओ, अरे ताइया सिलाइया, जिंदा पीर मारता पीछा पिटता, उछालता कथा, हथकड़ी पाँव में बेड़ी, गले में तोकी उल्टा, मोहम्मदा पीर चढ़ाए, मुख बुलाए सिर आन, मोहम्मदा पीर जल्द आओ, सकार गेरी खाली पड़ी है, शीघ्र आ, सवारी पर सवारी का खेल, खुद खुश हो, हाजिर हो हाजिर हो। यह मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र को करके आपको मोहम्मदा पीर के दर्शन होंगे। एक बार और मंत्र सुने, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गजनी से चला मोहम्मदा पीर, चला 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 चला, 1.25 शेर का तोसा खाए, 80 कोस का खाओ जमा, सफ़ेद घोड़ा सफ़ेद लगाम, उस पर चढ़े मोहम्मदा पीर, 900 पलटन आगे चले, 900 पलटन पीछे चले, चल 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 रे मोहम्मदा पीर, 900 पलटन आगे चले, 900 पलटन पीछे चले, चल चल रे मोहम्मदा पीर, तेरे सामने नहीं कोई वीर, हमारे सदरों को पकड़ के ला, हार जमा नक्श शिकार, राम राम से चलाओ से चलाओ, अरे ताइया सिलाइया, जिंदा पीर मारता पीछा पीटता, उछाड़ता हथकड़ी पाँव में बेड़ी, गले में तो की उल्टी, मोहम्मद चढ़ाए, मुख बुलाए सिर आन, मोहम्मदा पीर जल्द आओ, सकार गेरी खाली पड़ी है, शीघ्र आ, सवारी पर सवारी का खेल, खुश हो, हाजिर हो हाजिर हो। यह मंत्र है दोस्तों, अगर इस मंत्र के बारे में या इसकी विधि के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से मिल सकते हो और उनसे जानकारी ले सकते हो। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी साधना सीखनी है तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से संपर्क कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोग ये कहते हो आपका फ़ोन नहीं मिलता, आपका फ़ोन या तो बिजी रहता है या बंद रहता है। भाई मेरा फ़ोन बिजी नहीं रहता है, सारा दिन बिजी होता है, और मेरा फ़ोन बंद भी नहीं होता, सिर्फ बिजी रहता है, या कभी 17 से बाहर बताएगा या 17 से बाहर बताएगा, क्योंकि मेरे फ़ोन पर सारा दिन फ़ोन चलते रहते हैं, और मेरे को अपना कोई पर्सनल काम भी करना होता है, इसलिए भाई 1-2 घंटा मेरे को रामदारी भी चाहिए, बीच में लंच भी करना पड़ता है, और शनिवार को तो मेरे पास टाइम नहीं होता, शनिवार इतवार बिल्कुल भी समय नहीं होता। तो इसलिए भाइयों मेरे पास या तो सुबह 6 बजे फ़ोन करें
या फिर मेरे को शाम को 6 बजे फ़ोन करें। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई पहचान करे चाहे मेरे को व्हाट्सअप पे लिख के भेज सकते हो या अपना बात रिकॉर्ड करके भी मेरे को रिकॉर्डर में भेज सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को मुस्लिम साधनाओं में कोई भी साधना सीखनी है, जिनकी परी की या किसी पीर बाबा की, तो आप मुझे मिल सकते हो और मुझसे साधना सीख सकते हो। मैं आपको हर साधना की जानकारी दूंगा क्योंकि मेरे गुरुओं द्वारा मेरे पास अनेकों साधना है, अनेकों साधना कर रखी है मैंने, अनेकों साधनाओं का ज्ञान है। आप मुझे मिलकर साधना सीख सकते हो और कर सकते हो क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, और मैं ज्ञान दूंगा और ज्ञान लीजिए बस आप। लेकिन आए ये फ़ोन पे बेकार की बातें, ये बदतमीजी से बोलना ये छोड़ दो, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर लेना है तो ढंग से लीजिए, क्योंकि कहा है ना किसी से कोई भी चीज़ ली जाती है तो प्यार से ली जाती है, अकड़ के, घमंड से या गुस्से से कभी नहीं ली जाती। कि वही बात है भाई, झुके हुए पेड़ को ही फल लगते हैं, तने हुए पेड़ को कभी फल नहीं लगते। इसलिए ठंडा करके खाओ, अगर गर्म पियोगे तो मुँह जल जाएगा, इसलिए ठंडा खाओ और ठंड में रहो। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर आप लोग कोई भी साधना सीखना चाहते हो तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से मिल सकते हो, जुड़ सकते हो और उनसे हर प्रकार की साधना सीख सकते हो। मैं आने वाले टाइम में आपको पीरों की, जिनों की, परियों की एक से एक नई साधनाएँ दूँगा, क्योंकि आगे मेरे नए चैनल आ रहे हैं 10 और, जिसमें एक महाकाली आयुर्वेदिक चैनल भी है, एक महाकाली ज्योतिष चैनल भी है, और एक साधनाओं का अलग से मैं चैनल बनाऊंगा और उसमें एक अलग से परियों का, साधनों का चैनल बनाऊंगा। इसमें परियों की जानकारी देंगे, एक पीरों के लिए अलग से चैनल बनाऊंगा, इसमें पीरों की जानकारी देंगे। अलग अलग चैनल होंगे मेरे 10, और उसमें अलग अलग जानकारी होगी और अलग विधान होंगे। जैसे कुछ लोग YouTube पे मंत्र डालते हैं उसमें पूरा मंत्र नहीं होता या पूरी विधि नहीं होती, मैं आपको पूरी विधि दूंगा, पूरा मंत्र दूंगा। मेरे मंत्र में कहीं भी कटौती नहीं होगी और ऐसे मंत्र दूंगा जिसको करने मात्र से ही आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ वाकई मंत्र में कोई ताकत है। वो कहते हैं ना कि भाई चमत्कार को नमस्कार, पहले चमत्कार देखो फिर बाद में नमस्कार करो। ठीक है दोस्तों, अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो या अपने घर के बारे में कोई पूछना चाहते हो तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से हर शनिवार करनाल में मिल सकते हो। हर शनिवार करनाल में मेरी गद्दी लगती है 9 से 5 बजे तक, आप मुझसे मिल सकते हो, जुड़ सकते हो और गुरु दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।